हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए आज की डेट में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक सवाल ये है कि पैसा कैसे आता है, और नेट पर जो सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला सवाल है, जो सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला विषय है वो ये है कि जल्दी से पैसा कैसे आए। और कुछ लोग तो इतने उतावले हैं कि उन लोगों ने तो ये तक सर्चिंग में उनकी सबसे ज़्यादा जो गूगल में आता है वो ये आता है कि रातों रात अमीर कैसे बने, एक दिन में अमीर कैसे बन जाए, कोई उपाय। अगर सारी बातें देखी जाएं तो एक बात सामने ज़रूर आती है कि 90% जो इंडिया के लोग हैं वो बिना किसी मेहनत के जादुई तरीके से रातों रात अमीर बनने की कल्पना करते हैं, और इस बात को लेकर टोटके भी बहुत सारे हैं, वीडियोस भी बहुत सारी बनी हुई हैं। और देखिए जो टोटके बताए जाते हैं, हैरानी की बात है कि उनके ऊपर सब यकीन कर लेते हैं कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। लेकिन कहीं देखो तो सही कि अगर टोटके अमीर बनाते तो ये टोटका बनाने वाला, ये टोटका बताने वाला क्या इस तरह से एक यूट्यूब में काम करके छोटे छोटे अमाउंट कमा रहा था, वो खुद करोड़पति नहीं बन जाता। बहुत कम लोग हैं जिन्हें हकीकत और कल्पना इन दोनों का बैलेंस बिठाना आता है। कल्पना करता है कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा, मैं एक छोटा सा टोटका कर लूं। कल्पना की दुनिया से वो बाहर निकलना ही नहीं चाहता। क्या टोटका आता है कि अगर आप रात को दिए में कपूर और लौंग जला कर रखें तो देखिए आपके घर में कल रुपयों की बारिश होगी, आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। भला ऐसा होता है? ये कल्पना है, ये कल्पना है। इसे समझने की कोशिश करें, जो टोटके बताए जा रहे हैं वो कल्पना है, और हकीकत क्या है, क्योंकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको अमीर बनना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ें होना बेहद ज़रूरी हैं, और वो तीन चीज़ें हैं कि आपके पास अच्छी किस्मत हो, एक बैलेंस माइंड हो, और कड़ी मेहनत करने का स्किल हो। बस जिसमें ये तीन बातें हैं कि वो एक अच्छा प्लान बना सकता है, अच्छी पैसे के लिए उसके पास अच्छी स्कीम है, और उसके बाद उसको उस स्कीम के ऊपर काम करने के लिए, अच्छी मेहनत करने के लिए उसके अंदर जिगरा है, ताकत है, और इसके अलावा उसके पास अच्छी किस्मत है, तो समझिए वो आदमी पैसे से मालामाल है। बस ये हकीकत है। उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। धन्यवाद।